अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों जैसा कि मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने तकाफुल ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया है, तो इसी असना में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास तकाफुल की 3 प्रोडक्ट मौजूद है अब तक। तो उनमें अल्टीमेटली सबसे पहली बात यह है कि उसके अंडरराइटिंग जो रिक्वायरमेंट चार्ट है वो क्या है, यानी कौन सा शख्स, कितनी एज वाला शख्स जो है कितनी इंश्योरेंस खरीद सकता है, उसकी अमाउंट कितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो उसी के लिए दोस्तों आज का ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ। टोटल सम एड्रेस की अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट है तकाफुल के केसेस के लिए, क्योंकि स्टेट लाइफ के जो कन्वेंशनल के केसेस हैं वो उनमें जो अंडरराइटिंग गाइडलाइन है या अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट है वो डिफरेंट है, उनकी लिमिट्स डिफरेंट है, लेकिन तकाफुल के अंदर डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 साल से लेकर 39 साल तक का अगर शख्स है वो 1 करोड़ रुपए तक की भी पॉलिसी अगर लेना चाहे तो नॉन मेडिकल में ले सकता है, बिल्कुल दोस्तों। जबकि ये जो लिमिट है कन्वेंशनल में वो सिर्फ 50 लाख रुपए तक है, लेकिन यहाँ पर स्टेट लाइफ ने बहुत बड़ा यहाँ पर एज दिया है अपने क्लाइंट्स को। अगर कोई शख्स तकाफुल में पॉलिसी खरीदना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए तक नॉन मेडिकल खरीद सकता है अगर उसकी उम्र 39 साल है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक जाएगा तो मेडिकल कराना पड़ेगा सिंपल, उसको जिसको हम MR कहते हैं। इसी तरह से अगर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की रेंज में तो मेडिकल और BS1 और ECG। ये BS1 क्या है ये लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। इसी तरह से अगर दोस्तों वो फर्दर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक तो स्ट्रेस ECG भी साथ कराना पड़ेगा, और 2.5 से अगर 3 करोड़ तक जाता है तो ब्लड स्टडी, स्ट्रेस ECG, चेस्ट एक्सरे, HIV, और 3 से 4 करोड़ के दरमियान अगर जाता है तो फर्दर HIV और US। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अगर वो 6 करोड़ तक जाता है तो ये ऊपर जो टेस्ट है ये सारे उसको करवा के देना पड़ेंगे। अगर कोई शख्स 40 साल से 44 साल तक की उम्र का है तो वो 80 लाख रुपए सम श्योर तक की पॉलिसी नॉन मेडिकल खरीद सकता है। 45 साल से 49 साल वाला भी 80 लाख रुपए सम श्योर तक की पॉलिसी खरीद सकता है। 50 से 54 साल तक वाला 60 लाख रुपए सम श्योर तक की पॉलिसी खरीद सकता है। इसी तरह से दोस्तों 55 से 59 साल वाला जो है वो 50 लाख सम श्योर तक की पॉलिसी खरीद सकता है, और 60 साल से लेकर 65 साल तक। बिल्कुल दोस्तों याद रखें कि बहुत बड़ा यहाँ पर एज दिया है स्टेट लाइफ ने, यानी आफ्टर 60 ईयर भी अगर कोई शख्स पॉलिसी खरीदना चाहता है 65 साल तक तो वो भी 20 लाख रुपए तक की सम इंश्योर्ड की पॉलिसी बगैर मेडिकल के खरीद सकता है। ये बहुत बड़ा दोस्तों एज है जो कि आपने पॉलिसी होल्डर को फ्राहम किया है स्टेट लाइफ ने तकाफल की सूरत में। तो ये था अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट, इसको आपने देखा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉन मेडिकल से मुराद ये है कि उसको डॉक्टर से एग्जामिन कराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी MED जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब कि MR यानी मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें वो यूरिन का भी एनालिसिस होता है, यानी PUR जिसको हम कहते हैं, जिससे शुगर वगैरह का चेक किया जाता है। BS1 से मुराद कम्प्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट विद प्लेटलेट्स और ESR और फास्टिंग ब्लड शुगर और यूरिक एसिड, ये टेस्ट BSN1 के अंदर शामिल होंगे। BS2 के अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट विद प्लेटलेट्स, ESR फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c और यूरिक एसिड प्लस क्रिएटिनिन, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, HDL और LDL ट्राइग्लिसराइड, लीवर एंजाइम आ जाता है जिसमें SGBT और SGOT वगैरह शामिल होते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर BS3 का भी यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, ECG और स्ट्रेस ECG, HIV, US यानी अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमन और इको, ये सारे के सारे दोस्तों थायराइड ब्लड प्रोफाइल, डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहते हैं, कितने सम श्योर की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, उसी के मुताबिक आप लोगों को टेस्ट करवा के देना पड़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ी सहूलत मौजूद है, 39 साल तक का तो बंदा 1 करोड़ सम श्योर तक की पॉलिसी आसानी से खरीद सकता है। 1 करोड़ से मुराद ये है कि अगर उसकी 5 लाख रुपए भी सालाना किस्त और 20 साल की उसने पॉलिसी खरीदी हो तो वो 5 लाख रुपए तक की जो पॉलिसी है प्रीमियम की वो बगैर मेडिकल के खरीद सकता है। बहुत बड़ी सहूलत है दोस्तों, और 1 करोड़ का उसको कवरेज फराहम किया जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
अल्लाह ने की बात।